कुमकुमार्चन कैसे करे, कब करे, कौन यह कुमकुमार्चन विधि कर सकता है, कुमकुमार्चन किया जाने वाला यह कुमकुम बाद में क्या करे, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आखिरी तक देखिए। नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि में यह कुमकुमार्चन विधि करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, कुमकुमार्चन करने से पहले आपकी जो भी कुल देवता है या कुल देवी का टाक है, फोटो है या मूर्ति है, तो पहले इस मूर्ति को हमने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर एक तांबे या स्टील की थाली में रखकर पहले शुद्ध जल से स्नान कर लेना है, बाद में गंगा जल से, उसके बाद फिर से शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान करके लेना है। यह स्नान करते समय ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे यह नवारणव मंत्र का जाप करना है, या आपकी जो भी देवी माता है उसका मंत्र जाप जरूर करें। जैसे कि मेरी यह बीजासनी माता है तो ओम बीजासनी माताय नमः ऐसा मैं जाप कर रही हूँ। आप इस थाली में चावल का अष्टदल कमल या कुमकुम हल्दी का अष्टदल कमल निकाल के अपनी कुल देवता का फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके लेना है और आपको कुमकुम लेना है। कुमकुम लेते समय अच्छा कुमकुम लेना है, घर का ही, बिना केमिकल का यह कुमकुम लेना है। यह मैंने घर पर ही कुमकुम बनाया है। तो फ्रेंड्स, कुमकुम अर्चन करते समय यह ऐसे मृग मुद्रा करके लेना है। मेरे दाहिने हाथ को लगा है इसलिए मैं बाएं हाथ का प्रयोग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कुमकुम अर्चन विधि करते समय घर का शुद्ध कुमकुम लेना है। कुमकुम अर्चन करते समय देवी माता के पैरों से लेकर सर तक यह कुमकुम अर्चन करते जाना है और देवी माता का मंत्र जरूर जाप करें। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नवारणव मंत्र आप बोल सकते हैं, या आपकी जो कुल देवी है उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टकम बोल सकते हैं या कुमकुम अर्चन मंत्र आप बोल सकते हैं। कुमकुम अर्चन आप 5 बार, 7 बार, 11 या 1001, 1011 ऐसा आप कुमकुम अर्चन अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुमकुम अर्चन कब करना है? कुमकुम अर्चन नवरात्रि के समय, दीपावली के समय, पूर्णिमा के समय आप कर सकते हैं। नवरात्रि में पहले दिन, पांचवें दिन, अष्टमी के दिन आप यह कुमकुम अर्चन विधि कर सकते हैं। कुमकुम अर्चन महिला, पुरुष या जोड़ी से भी आप कुमकुम अर्चन कर सकते हैं। कुमकुम अर्चन विधि किया जाने वाला यह कुमकुम क्या करना है? यह कुमकुम आप एक डिब्बी में भर सकते हैं। यह कुमकुम पूजा में यूज नहीं कर सकते हैं। यह जो कुमकुम है आप एक डिब्बी में भर के किसी काम से आप जब बाहर जा रहे हो तो उस समय आप यह कुमकुम अपने माथे पर टीका लगा सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चों को भी आप यह टीका लगाए। यह टीका लगाने के बाद आपका हर काम सफल होगा, आपकी हर कामना पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कुमकुम अर्चन विधि जरूर करें। और यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।